स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करने वाले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि समेशन ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो क्या है, वो है मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दिस इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, राइट, डीपी बाई डी टी कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हमारे पास कोई एक सिस्टम है, राइट, जैसे मान लो कि ये एक बॉम्ब है जो एक्सप्लोड कर सकता है, राइट, तो इसमें बहुत सारे केमिकल्स है, गोला बारूद है, राइट, और हमने इसको ट्रिगर कर दिया तो ये क्या होगा, ये एक्सप्लोड कर जाएगा। ठीक है, तो हमने यहां पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है, यानी समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो है। ठीक है, ये बॉम्ब जो फटने वाला है वो इंटरनल प्रेशर, इंटरनल फोर्स की वजह से फटने वाला है, राइट। तो इसके अंदर जो केमिकल्स है, गोला बारूद है, जैसे हम इसको ट्रिगर करेंगे यानी स्पार्क देंगे, तो अंदर जो उसके अंदर जो केमिकल्स हैं, जो गोला बारूद है, वो क्या होगा, वो वहां पे उसका कंबशन स्टार्ट हो जाएगा, वहां पे गैसेस फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे और इंटरनल एक प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और वो इंटरनल प्रेशर जैसे बढ़ेगा उसके बाद वो एक्सप्लोड कर जाएगा। तो अभी यहाँ पे ये जो एक्सप्लोजन हुआ है ये इंटरनल फोर्सेस की वजह से हुआ है, इसमें हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है। ठीक है, तो हमने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, यानी समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। तो ऐसा एक सिचुएशन जहां पे समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है, राइट, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, तो क्या हो जाएगा ये इक्वेशन, तो ये इक्वेशन हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू डीपी सिस्टम बाय डीटी। ठीक है, जैसे अगर अगर कोई ऐसा इक्वेशन आपके पास डीसी बाय डीटी इज जीरो या डी वाई बाय डीटी इज जीरो, तो आप क्या इससे कंक्लूड कर सकते हो, आप बोलोगे सर इसका मतलब वाई कॉन्स्टेंट है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट का ही डेरीवेटिव जीरो होता है, क्योंकि ये कांस्टेंट का ही डेरिवेटिव जीरो होता है। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो पी सिस्टम है उसका रेट ऑफ चेंज जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब जो पी सिस्टम है वो कांस्टेंट है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि बिफोर द एक्सप्लोजन राइट, यहाँ पे जो लीनियर मोमेंटम है सिस्टम का, इनिशियल लीनियर मोमेंटम, वो जीरो है, राइट, वो जीरो है। और आफ्टर द एक्सप्लोजन इसके कितने चितड़े बन जाएंगे, राइट, इसके कितने पार्ट्स हो जाएंगे, ये हजारों करोड़ों पार्ट्स में ये टूटेगा, ये इस तरह से फूटेगा, फटेगा, और ये जो सारे पार्ट्स है ये सबका वेलोसिटी अलग होगा, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम है, यानी फाइनल मोमेंटम जो है इसका, सॉरी सिस्टम का, वो अभी भी जीरो रहेगा। वो अभी भी क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि ये पार्टिकल्स इस तरह से ये अलग अलग डायरेक्शंस में जाएंगे, इस तरह से इनका मोमेंटम होगा m1 v1 m2 v2 m3 v3, ताकि ये सारा जो पार्टिकल्स है इन सब का जो वेक्टर्स हमें मोमेंटम का वो जीरो आएगा। दिस इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो मैं आपको इसको सिंपल वर्ड्स बताता हूँ। सिंपल वर्ड्स में ऐसा है कि इफ समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, ठीक है, ऑन अ सिस्टम, देन द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो इसको हम लोग और समझेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी एग्जांपल्स लेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दिस इज COLM, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो इसमें ये समझना बहुत जरूरी है कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना बहुत जरूरी है। एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो इनिशियल मोमेंटम बिफोर द इवेंट विल बी इक्वल टू द लीनियर मोमेंटम आफ्टर द इवेंट, एंड दिस इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इवेंट क्या है, इवेंट जैसे यहाँ पे एक्सप्लोजन देखा आपने, एक्सप्लोजन हो सकता है या कोलिजन हो सकता है, तो 99% क्वेश्चन जो है हमारा जो है इसमें इस चैप्टर में वो कोलिजन पे बनता है, एक्सप्लोजन पे बनता है। तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो एक्सप्लोजन से पहले का लीनियर मोमेंटम पूरे सिस्टम का, वो एक्सप्लोजन के बाद उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम दोनों बराबर रहेगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो
तो कोलिजन से पहले सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है, सिस्टम का चाहे उसमें एक पार्टिकल हो, 10 पार्टिकल हो, 100 पार्टिकल हो, पूरे सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वो कोलिजन के बाद वापस उस पूरे सिस्टम के बाद, तो हम लोग वो नेक्स्ट इसमें और डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप ये पॉइंट को ध्यान में रखिए, ठीक है? ओके।